खरगोन प्रगतिशील राठौर समाज संगठन ने रविवार को प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया। सनावत रोड स्थित हरियाली मैरिज गार्डन में आयोजित समारोह के दौरान सांसद गजेंद्र पटेल, जिला शिक्षा अधिकारी के डोंगरे ने समाज के 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट अंक लाने वाले करीब 50 से अधिक छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। संगठन अध्यक्ष दिलीप राठौर ने बताया, समाज की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश भर के छात्र छात्राएं शामिल हुए। प्रतिभाओं के उत्साह वर्धन के लिए बड़ी संख्या में समाज जन भी शामिल हुए। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। दुर्गादास जी का नाम लेते हैं, उसका डाक टिकट चालू करने का काम भी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा। मेरा समाज के लोगों से आग्रह, 2 अगस्त को स्वर्गीय दुर्गादास राठौर जी की जयंती आती है। मेरा जितना ज्ञान है उतना बताओ, 13 अगस्त तो इस प्रकार के आयोजन और सम्मेलन और सम्मान अगर हम उसी जयंती पर करें तो आने वाला युवा को ये ध्यान में आएगा कि हमारा जो पूर्वज है, हमारा जो गौरव है, उसकी जयंती पर सम्मान होता है। जिस व्यक्ति ने इस देश की रक्षा के लिए मुगलों से लड़ाई लड़ी और दुनिया में दुर्गादास राठौर का नाम है, इस सम्मान कार्यक्रम में इसी युवा और युवतियों को भी ध्यान में आएगा कि वो दुर्गादास राठौर की। प्रगतिशील राठौर समाज जिला खरगोन के नाम से एक संगठन हमने बनाया है, जो पिछले वर्ष से 75% से अधिक अंक प्राप्त करने पर बच्चों को, जिन्होंने कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल या CBSE की परीक्षा में अंक प्राप्त की है, उनको सम्मानित करने का एक छोटा सा प्रयास प्रारंभ किया है। उसके तहत आज हम यहाँ पर इस हरियाली गार्डन में कार्यक्रम आयोजित करने किया है। हमने क्या सोच क्या है, समाज के बच्चे धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ें, एक कलेक्टर वाली समाज बढ़ें। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में इस बार शिवपुरी की एक गुड़िया ने, जो कि राठौर समाज की है, उसने 12वीं कक्षा में मेरिट लिस्ट में वो आई है और उसे ग्वालियर में अभी कुछ ही दिन पहले 1,00,000 रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।